देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी और लेक्चरर का एग्जाम, कई लोगों के मन में प्रश्न है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा। तो फिर से मैं यही चीज दोहराऊंगा कि एग्जाम तो आना ही है और इलेक्शन से पहले एग्जाम पक्का आएगा, और उसके लिए लेकिन आपकी तैयारी शुरू से होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि एग्जाम के बाद हम जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम ही लोगों ने कंपटीशन इतना जो है जबरदस्त कर दिया है कि पिछले फरवरी 2022 से मेरे पास अभी पांचवा बैच चल रहा है। पांचवा बैच मैं शुरू कर रहा हूँ लेक्चर और एलटी का, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे कितने अवेयर हैं। तो कुछ जानकारियां मैं आपको देने के लिए आया हूँ, और वो जानकारियां आपको बेसिकली समझ लेनी चाहिए और उनको नोट भी कर लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सबसे पहले इस समय कौन से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग एलटी और लेक्चर के जो इंग्लिश के बैच हैं उनको जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टार्ट हो रहे हैं और वो 2 या 3 दिन पहले बिल्कुल एलटी और लेक्चर के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप उसमें ज्वाइन कीजिए, नंबर एक। दूसरा ये है कि स्क्रीनिंग जो है, स्क्रीनिंग आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप है लेक्चरर तक जाने के लिए। तो स्क्रीनिंग के एग्जाम में अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता तो वो फिर आगे अगला स्टेप नहीं ले सकता है। तो इसलिए स्क्रीनिंग के एग्जाम को भी आप अगर ढंग से करना चाहते हैं तो ये भी स्टार्ट हो चुका है और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, तो आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग चार तीन क्लासेस डेली की ले रहे हैं, और एक क्लास है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग, और दूसरी है आपकी जनरल स्टडीज, और तीसरी है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो तीनों क्लासेस के डिफरेंट टाइम होते हैं, और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलते हैं, एमसीक्यूज भी मिलते हैं, नोट्स भी मिलते हैं, और टेस्ट भी होते हैं पर वीक। सारे एक्सपर्ट्स नेट क्वालिफाइड हैं और बहुत ही नॉलेजेबल एक्सपर्ट हैं, और जिन लोगों ने सिर्फ डेमो के लिए जो है कुछ डिमांड की थी उन सभी ने ज्वाइन किया है और सभी को पसंद आ रहा है स्क्रीनिंग का बैच। हर रोज लोग इसमें जुड़ रहे हैं, पर मेरा आज की वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि मकसद ये है कि रोज जुड़ने के बजाय, आप वेट करने की बजाय आप अगर शुरू से इसको फॉलो करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप आज जुड़ते हैं या कल जुड़ते हैं तो आपको पिछले 2-3 दिनों के रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन अभी आप कर सकते हैं, अभी 8-10 दिन तक भी आप कोप अप कर सकते हैं। लेकिन 15-20 दिन का अगर कोर्स छोड़ गया तो फिर आपके लिए थोड़ा लोड बढ़ जाएगा, खासकर अगर आपकी लाइफ स्टाइल बिजी है तो। तो अभी ज्वाइन कीजिए स्क्रीनिंग का बैच, एलटी लेक्चरर का इंग्लिश का बैच। उसके अलावा कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ और शानदार फैकल्टीज हमारे पास जुड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं वही अनाउंसमेंट कर दूं कि कौन कौन से बैचेस में लेके आ रहा हूं। तो सबसे पहले आप जुड़ सकते हैं हमारे नेट एजुकेशन के बैच से। एजुकेशन में हम नेट के बैच को शुरू कर रहे हैं, और आप जो है नीचे दिए लिंक में जितने भी नेट वाले हैं एजुकेशन से जो करना चाहते हैं वो इसमें क्लिक कर सकते हैं। और नेट और क्वालिफाइड और जो डॉक्टरेट हमारे फैकल्टीज हैं वो आपको पढ़ाएंगी, और आपको बहुत पसंद आएगा ये मेरा दावा है, क्योंकि हमने तब तक कोर्स खोले ही नहीं जब तक हमने उस लेवल की फैकल्टीज को अपने साथ ना जोड़ा हो, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस सिर्फ क्वालिटी में बिलीव करता है, और इसलिए आपको पूरी क्वालिटी मिलेंगी। तो आप नीचे दिए लिंक से जुड़िएगा। दूसरा कोर्स जो मैं खोल रहा हूँ वो है यूटेट के एग्जाम है। यूटेट की और सीटेट की तैयारी करने के लिए भी हमारे पास कोर्स शुरू हो रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तीसरा है पॉलिटिकल साइंस। बहुत लोगों की क्वेरी थी पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी हमारी नेट क्वालिफाइड फैकल्टी आ गई है, और वो एलटी और लेक्चर दोनों के लिए आपको तैयारी करवा रही है। तो उसके लिए आप नीचे दिए लिंक में क्लिक करें और जुड़िए, और वहां हमें जानकारी हम जानकारी देंगे। और पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर हैं उनका शायद एक लेक्चर अभी आपको देखने को मिलेगा कुछ दिनों में। और एलटी और लेक्चर के साइंस के जो है बैचेस वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो साइंस से भी आप जुड़िए और उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। तो ये तो रही कोर्सेस की बात जिसमें आप जुड़ सकते हैं। दूसरा मेरा आप सभी को सजेशन है कि वक्त की नब्ज को पहचानिए और इसमें देर मत करिए, क्योंकि जिन लोगों ने पिछली बार मुझे थोड़ा देर से अप्रोच की थी वो जानते हैं कि देर से आने के लिए उन्होंने क्या खोया, और कुछ मार्क्स जो है से उन्होंने चीजों को मिस किया। तो एक कुछ मार्क्स से मिस करना बार बार खलता है, तो इससे बढ़िया ये है
कि हम वो मौका ही ना दें। और कंपटीशन का जो लेवल है वो दिन पर दिन हाई होता जाएगा, ये यकीन मानिए। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने मेरे वहां फरवरी में कोर्स किया है, तो फरवरी से वैसे हम 7-8 महीने में कोर्स पूरा करवाते हैं, हम कोई 3 दिन में चलता नहीं बना देते हैं या 3 महीने में कि हो गया कोर्स जाओ। हम पूरा ड्रिल करते हैं बच्चे को, और एक एटीट्यूड डेवलप करने में टाइम लगता है, और हम उस चीज को लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप आए सिलेबस खत्म किया और बवाल डाला, तो ये नहीं होगा। मेटामोसिस में अगर आपको क्वालिटी के लिए आना है तो जरूर ज्वाइन कीजिए, रिलैक्स अपना टाइम दीजिए, और लाइफ टाइम आप जुड़े जुड़े हुए फील करेंगे उसके लिए, ये हमारा दावा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि वक्त की नब्ज को पहचानिए, और जल्दी से जल्दी आप इसको एनरोल कराइए और बैचेज में स्टार्ट कीजिए। और अगर अभी से एनरोलमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 तारीख तक ये भी सारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे जिनकी मैंने आज घोषणा की है। इंग्लिश वाले देर ना करें, एलटी पॉलिटिकल साइंस वाले देर ना करें, लेक्चर वाले, नेट एजुकेशन और यूटेट सीटेट ये वाले देर ना करें, और साइंस वाले वो जुड़ें। और बाकी कोर्सेज पे मैं जल्दी अनाउंस करूंगा, जैसे और कोर्सेज भी हम अनाउंस करने वाले हैं, होम साइंस का कोर्स, या फिर आपका दूसरे जो हिंदी वगैरह की भी डिमांड आ रही है, तो वो सब कोर्स हम शुरू करेंगे। तो जल्दी से जुड़िए और बने रहिए मेटामॉर्फोसिस के साथ हमेशा। आप सभी का साथ बहुत मिला है, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हम और लोगों से भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज की, तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, हमारे वहां कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट मैं ही फोन उठाता हूँ और मैं ही बात करता हूँ, तो आप लोग आराम से मुझसे कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग वक्त को पहचानेंगे और समय की नज़ाकत को समझेंगे, और जल्दी से जल्दी जो आपके सपने हैं, जिसके लिए आप, जो आपके ख्वाब हैं जिसको आपने इतने सालों से संजोया है, तो वो सिर्फ ख्वाब न रहे, उस ओर एक एक सॉलिड स्टेप आप बढ़ा सकें। इसके लिए अगर आप मेटामॉर्फोसिस का साथ लेने को तैयार हैं, तो हम आपका पूरा साथ देने को तैयार हैं। और इसलिए आप अपने जो है इस पूरे इरादे को मजबूत कीजिए, और जल्दी से जल्दी तैयारियां शुरू कीजिए, तो आपके जो है एक सुनहरे फ्यूचर का, सुनहरे भविष्य का ख्वाब संजोते हुए, और आपके लिए बेस्ट विशेष देते हुए, मैं नागिन आज की वीडियोस में आपसे विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इन चीजों के बारे में डिसाइड करेंगे, इससे पहले कि देर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं।